हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 गणित का है। गणित में हमारा 3.3 एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसके बचे हुए सवालों को आज हम कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। फिर आगे आपका अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो देखिएगा, ये है आपका आठवां सवाल। आठवां सवाल है, ध्यान से समझेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 में। अब तक हम आपके सभी सवालों को करा चुके हैं। 8 में का पहला पार्ट भी मैं आपको करा चुका हूं। बचा कौन सा है इसमें? ये सवाल है, आव्यूह बराबर ये दे रखा है, इसको सत्यापित करना है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित का मतलब भी आप समझ लीजिएगा, जो स्टूडेंट पहली बार हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपका, देखिएगा, विषम सममित का मतलब ये है कि यदि एक्स बराबर माइनस एक्स डैश आ जाए तो अब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक विषम सममित आव्यूह की कंडीशन है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब ये है कि यदि एक्स बराबर आपका एक्स डैश आ गया तब ये विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो उसी तरीके से यदि मैं ए माइनस ए डैश यानी कि ए माइनस ए डैश को मेरे को विषम सममित दिखाना है, तो आप ऐसे समझो कि ये आपका पूरा, ऐसे समझिएगा कि ये पूरा का पूरा आपका एक्स है। तो आपको क्या दिखाना है? हमको बराबर का एक्स डैश दिखाना है, माइनस का ए माइनस ए डैश का होल डैश, ये चीज आपको दिखानी होगी, तभी ये आपका क्या हो जाएगा, विषम सममित कहलाएगा। ठीक है, तो विषम सममित के लिए देखिएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम, हमारे पास में ए आपको दे ही रखा है। ए कितना दे रखा है? ए आपको दे रखा है 1, 5, 6, 7, ये आपका ए दे रखा है। अब पहले हम क्या निकाल रहे हैं, यहां से ए डैश निकाल ले रहे हैं। ए डैश कैसे निकलेगा? आप जानते हैं कि आपका ये वाली जो चीज है, कंडीशन देखिएगा, ये इस तरीके से दे रखे हैं 1, 5, तो हम इसको क्या कर देंगे, नीचे की साइड में लिख देंगे 1 और ये हो जाएगा 5। ऐसे ये 6, 7 इस तरीके से लिखा हुआ है, 6, 7 को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। बात को समझे कि ये इस तरीके से आपको दे रखा है 1, 5, और आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से खड़ा लिखना है। ठीक है, और ये देखिएगा, ये आपका इस तरीके से दे रखा है 6, 7, और इसको लिखना कैसे, इस तरीके से लिखना है। बात समझ गए होंगे, यानी कि कोई भी चीज आपकी डैश निकालते समय हम क्या करते हैं, कोई चीज यदि ऐसे लेटी हुई दे रखी है तो हम उसको खड़ा कर देते हैं, और यदि खड़ी दे रखी है तो हम उसको लिटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका। चलिएगा, ए डैश निकलाया, अब हमको ये चीज प्रूव करनी है, तभी तो ये विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। पहले ए माइनस ए डैश निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे, ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी हैगी 1, 6, ये है आपकी 5 और ये है आपकी 7, ओके, फिर माइनस कर देंगे और ये है 1, 5, 6, 7, ये है। इसको आप देखिएगा घटाते कैसे हैं, ध्यान समझिएगा, यहां वाले में से ये वाला एलिमेंट घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये देखिएगा, ये है 5, इस 5 में से 6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, ओके। चलिएगा, अब देखिएगा, ये है आपका 6 है और 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, ओके, और 7 में 7 जाएंगे तो 0 बचेगी। ये आपका a माइनस ए डैश आपका आ गया इतना। बात समझना जरा, ठीक है, इसको चाहो तो समीकरण भी बना सकते हो, समीकरण 1 भी मान सकते हो, ओके। अब थोड़ा सा, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दिखाना है कि a माइनस ए डैश का होल डैश कितना हो जाएगा, यानी कि बात को समझो कि a माइनस ए डैश की जो वैल्यू है वो इतनी है, ये रही, ठीक है, ये आपकी a माइनस ए डैश की वैल्यू है, ओके। हमको क्या करना है, इसका डैश निकालना है। इसका डैश किस तरीके से निकलेगा, देखिएगा, ये 0 और माइनस 1 है ना, 0 माइनस का 1 इस तरह से आ गया, यानी कि ये जो चीज है आपकी, ऐसा समझिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये इस तरीके से आपकी दे रखी थी 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 मैंने इस तरीके से आपका लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार का जब तक हमें।
ठीक है, ये आ गया। अब 1-0 इस तरीके से, तो 1-0 हम यहाँ पर फिर से ऐसे लिख देंगे, 1-0 आपका इस तरीके से लिख जाएगा। ओके, ये आ गया। अभी हमको क्या करना था, इसमें माइनस की भी मल्टीप्लाई करनी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, -a -a', यानी कि इसी में आप माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो जीरो ही रहेगा भाई, जीरो जीरो में मल्टीप्लाई माइनस की करेंगे तो जीरो ही रहेगा, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले जीरो में करेंगे तो ये जीरो रहेगा। ये समीकरण 2 आ गई। अब आपको दिखाई दे रहा है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देखने को मिल रहा है, a a' इजिकल टू -a a' का होल डैश, ये चीज आ गई आपकी, और इसलिए ये जो है आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, ये देखिएगा, ये आपका कहलाएगा एक नई लाइन से लिख दीजिएगा, अतः यह एक विषम सम्मित आव्यूह है, यह एक विषम सम्मित आव्यूह है, ये चीज यहां पे लिख देंगे, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। प्रूफ, बात खत्म, हमको यही चीज तो सिद्ध करनी थी, ठीक है, बाकी जब पुरानी एक्सरसाइज देखोगे हमको यही चीज यहां पर सिद्ध करना था, ये चीज आ चुका है, ठीक है, चलिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल को देखते हैं, नौवां सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, ये है नौवां सवाल, नौवां सवाल भी बहुत ही एकदम लाजवाब सवाल है, क्या कह रहा है देखिए, ये सवाल है आपका नौवां सवाल, कि यदि देखिए, यदि a बराबर 0 अल्फा v माइनस अल्फा, ये a है a, ठीक है, c और माइनस का b माइनस का c बराबर 0, तो आपको 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार की, किसी पर भी टेंशन नहीं लेंगे, हमको देखिएगा क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे, ये ए है तो पहले आप पहले ए डैश निकालो, ए डैश ए आपको दे ही रखा है, यहां से हम ए डैश निकालेंगे तो किस तरीके से निकाल देंगे, देखिए बहुत ही प्यार से, मतलब लवली तरीके से सवालों को ललन टॉप तरीके से करना है, देखिए ये आपका कितना है 0ab, और यही चीज हम यहां पे लिखेंगे 0a और b, मतलब यह है कि ये इस तरीके से आपको दे रखा था लेटा हुआ, और आपने ये खड़ा करके लिख दिया है, यानी कि इस तरीके से आपने लिख दिया है, ऐसे ही ये दे रखा है आपका माइनस का a 0 और c, तो ये भी हमने खड़ा करके लिख दिया, माइनस का b माइनस का c और 0, माइनस का b माइनस का c और 0, कुल मिलाकर समझ में आ गई बात, ये इस तरीके से आपको दे रखे थे और आपने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इस रूप में, तो ये आपका ए डैश निकला है, बात खत्म हो गई, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए प्लस ए डैश का 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पहले हम ए प्लस ए डैश निकाल ले रहे हैं, पहले ये निकालेंगे, फिर इसमें हम 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास में ये है 0ab माइनस का ए 0c माइनस का बी माइनस का सी और 0, इसके साथ में हमको क्या करना है, ये चीज आपस में जोड़ देनी है, कौन सी, ये वाली 0a और b, यह है माइनस का a 0 और c, तो ये है माइनस का b माइनस का c और 0, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिएगा,
इसको जब हम जोड़ देंगे तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ए प्लस ए डैश, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले यहां पे देख लेते हैं। ये देखिएगा, इसको इसका मतलब ये है कि यहां वाला जीरो के साथ में ये वाला एलिमेंट यहां पे जुड़ेगा तो ये जीरो ही रहेगा। और देखिएगा इस वाले के एलिमेंट के साथ में, देखिए मैं इस वाले ए के साथ में ये वाला माइनस का ए जुड़ेगा तो ये भी आपस में जीरो हो जाएगा, और इस वाले माइनस के बी में माइनस का बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये वाला माइनस का ए है, यानी कि देखिएगा, सॉरी यहां से नहीं, यहां से देखिए, माइनस के ए में, ओ शिट, मैंने कौन सा जोड़ दिया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड में कौन सा देख लिया, ओ हो, ये देखिए पहले यहां पे देखिए एक सेकंड, ये चीज ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं कि ये चीज नहीं आएगी यहां पर, क्यों, क्योंकि हमको ये चीज देखनी है इस वाले में, इस वाले माइनस बी में माइनस का बी जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहां पर भी आपस में जीरो आएगा, ऐसे ही माइनस के ए में ए प्लस का ए जोड़ेंगे ये भी आपस में जीरो आ जाएगा, जीरो के साथ में ये वाला जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, और माइनस सी, माइनस के सी में माइनस का सी जोड़ेंगे तो ये हो, देखिए ये वाला, ये प्लस के सी में माइनस का सी जोड़ेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, और माइनस के बी में प्लस का बी जोड़ेंगे ये भी जीरो आ जाएगा, और ये देखिएगा ये माइनस के सी में ये सी जोड़ेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और जीरो के साथ जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस ए डैश ये जो आया है, अब इसमें हम 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जीरो जीरो ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो में यदि हम किसी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही रहेगा, पर हमको निकालना ही यही था, 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालनी थी, ये आ गई। ठीक है, तो एक आंसर आपका हो चुका है, यानी कि एक पार्ट आपका निकल चुका है। अब की बार हमको क्या निकालना है, अब की बार निकालना है ए माइनस ए डैश निकालना है। ठीक है, ए माइनस ए डैश निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वही है, ठीक है, आंसर भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर करना है, क्या अंतर करना है जरा देखिए, हमको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया सभी लोग, और सवाल समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, ये देखिए ये आ गया, और मैं इसको इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, और ठीक, और ये हो गया, ठीक है, अब देखिएगा मेरे पास में क्या है, ए ये है और ए डैश ये है, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए ए माइनस ए डैश चाहिए सबसे पहले, तो ए माइनस, और यहां पर भी मैं माइनस कर दे रहा हूं, तो ए माइनस ए डैश आ कितना जाएगा वो देख लो, ये देखिएगा, और कितने में आ जाएगा, ओके, घटाएंगे कैसे, इस वाले एलिमेंट में से ये वाला एलिमेंट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, और ए में से ये वाला ए जाएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है ए, ए में से माइनस का ए घटाएंगे, यानी कि ए माइनस माइनस का ए कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि ओवरऑल 2a आ जाएगा, तो इसीलिए यहां पर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और b में से माइनस का b जाएगा तो ये भी आपस में 2b हो जाएगा, और माइनस के a में से a जाएगा ये भी, मानी माइनस का a जाएगा तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, जीरो में से जीरो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और ये सी में से माइनस का सी जाएगा तो ये प्लस का 2c हो जाएगा, माइनस के बी में से बी जाएगा, यानी कि माइनस के बी में से माइनस का बी कर देंगे तो माइनस के 2b आ जाएगा, माइनस 2 और ये हो जाएगा बी, माइनस के सी में से सी जाएगा तो माइनस का 2c हो जाएगा, और जीरो में से जीरो जाएगा तो ये आपस में जीरो ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 1/2 ए माइनस ए डैश ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जब 1/2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी में दो 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 है तो दो कट जाएगा, ठीक है, चलो पहले मैं लिख दे रहा हूं, 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, ऐसे लिख दीजिएगा,
तो ये है आपका 0, ये है आपका 2a, ये है 2b, और ये है माइनस का 2a, और ये है आपका 0, और ये है आपका 2c, और ये है आपका माइनस 2b, और ये है आपका माइनस 2c, ये है आपकी 0। जब 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा, ये देखिएगा, ये आ जाएगा आपका a माइनस a डैश, और इसमें हम 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपस में मतलब ये है, 0 में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 2a में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा और b हो जाएगा, ऐसे ही ये आपका माइनस का a बचेगा, ये 0 ही रहेगा, तो ये आपका c बचेगा, यहां पर माइनस का b बचेगा, ये माइनस का c बचेगा, ये 0। ओवरऑल ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा, इस तरीके से ये सवाल आपका हो चुका है, ठीक है, ये वाला। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पर, ये देखिएगा 10वां सवाल, देखिएगा 10वां सवाल, खतरनाक सवाल है, थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करना, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल में, निम्नलिखित आवयवों को एक सममित आवयव तथा एक विषम सममित आवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत खतरनाक चीज दे दी है, बस थोड़ा सा समझना, देखिएगा हमको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। ये देखिए इसमें क्या है कि सममित आवयव, सममित आवयव क्या होता है कि आपका जैसे कि मान लीजिए P है तो P बराबर P डैश होना चाहिए, और विषम सममित यानी कि Q दे रखा है तो Q बराबर माइनस का Q डैश होना चाहिए, इसमें माइनस भी लगेगा, यहाँ पर माइनस का Q डैश होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक सममित और एक विषम सममित आवयव में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ध्यान से समझ लीजिएगा कि a बराबर, देखिएगा हम इसमें इस तरीके से लेते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश, और प्लस फिर इसमें निकालते हैं हम 1/2 a माइनस a डैश, ये निकालते ही निकालते हैं। जब आपको सवाल कहेगा कि एक सममित और एक विषम सममित आवयव में बदलो, उसके योगफल में बदलो, तो आपको सबसे पहले देखिएगा इस a को आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि देखिएगा जब हम भाई ये माइनस का ए डैश है, यहाँ पे प्लस का ए डैश है, इससे ये कट जाएगा 1/2 a, और इधर 1/1 a बचेगा, 1/2 और 1/2 एक हो जाएगा, तो a ही बचेगा। तो यानी इस a को हम इस तरीके से लिख देते हैं, आप ऐसा समझ लो ये सूत्र है, आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, इसमें इस वाली चीज को p मानते हैं, इसको q मानते हैं, और फिर आपको क्या करना है ये जोड़ के लिख देना है p प्लस q, ये चीज निकालनी है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एक सवाल करूंगा, इसमें सभी पार्ट हैं, इसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक पार्ट करके दिखाता हूं, पहला पार्ट इसमें देखिएगा, पहले आप लिख लीजिए, पहला पार्ट में कर रहा हूं, a बराबर कितना दे रखा है, 3 1 5 माइनस का 1, ये दे रखा है। अब पहले आपको क्या करना है, इसका a डैश निकालो, a डैश निकलेगा, a डैश कैसे निकलेगा, ये देखिएगा इस तरीके से 3 5 इस तरीके से दे रखा है, तो हमको ये इस तरीके से लिखने हैं, 3 5 यानी खड़ा करके लिख देना, खड़ा करके कैसे 3 5, ऐसे ही 1 माइनस 1 है तो ये सॉरी यहां पे क्या है, ये देखिएगा 1, और ये है आपका माइनस का 1, ये निकल आया। अब हमको क्या करना है, ये ए डैश निकलाया, अब हम यहां पे मानेंगे, माना ए बराबर क्या मानेंगे आप, ए बराबर आप मानेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इस तरीके से मानेंगे, और यहां पर लिख देंगे ये वाली जो चीज है इसको आप पी मानेंगे, इस वाली चीज को आप क्यू मानेंगे। तो अब हमको क्या करना है, P और Q की वैल्यू निकालनी है, P और Q की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिएगा, P बराबर है 1/2 a प्लस a डैश, तो सबसे पहले हमको 1/2 और हमको निकालना पड़ेगा a प्लस a डैश की वैल्यू,
तो ए प्लस ए डैश में साइड में यहां पे निकाल दे रहा हूं, ए प्लस ए डैश, तो ये आप साइड में निकाल सकते हो, रफ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है ये देखिएगा, 3 5 -1 2, 3 5 3 5, और ये है यहां पर 1 और -1, 3 5 1 -1, ये है। इसके साथ में हमको जोड़ना है क्या, 3 5 1 -1, ये हो जाए ए प्लस ए डैश इजकल टू। अब देखिएगा ये इसमें आप क्या करोगे, 3 के साथ में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के साथ में 5 जोड़ेंगे, ये भी आपका 6 हो जाएगा। 5 के साथ में 1 जोड़ेंगे, ये भी आपका 6 हो जाएगा। -1 के साथ में -1 जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये आ। अब ये चीज तो ए प्लस ए डैश निकली है, लेकिन हमको क्या निकालना था, पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी कि तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 6 6 -2 है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये पी बराबर है, तो इसका मतलब ये है पी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, इसको ब्लैक से लिख दे रहा हूं मैं, इस सभी में 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां पर निकल जाएगा, ये यहां पर 3 बचेगा, ये यहां पर 3 बचेगा, ये यहां पर 3 बचेगा, ये यहां पर -1 बचेगा। इतनी वैल्यू निकल आई, ध्यान समझिएगा, ये पी की वैल्यू आपकी निकल आई है, ठीक है। इसी तरीके से हमको क्यू की वैल्यू निकालनी है, ये वाली यहां पर, ये क्यू की वैल्यू निकालनी है, और फिर हमको पी प्लस क्यू निकाल देना है, ठीक है। ये तब निकालना है पहले, हाँ यहां पर एक चीज और, पहले ये देख लो कि ये सम्यताव्यू है या नहीं है, तभी आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा, ये वाला सम्यताव्यू है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे पी डैश भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, पी डैश, तो पी डैश तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये यहाँ पर 3 इस तरीके से दे रखे हैं, 3 को आप इस तरीके से लिख दोगे, ये 3 -1 इस तरीके से, 3 ये -1 इस तरीके से है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये है, ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपका P बराबर कितना, ये आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक विषम सममित, क्योंकि यहां पर देखिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इसको मैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पी इज इक्वल टू पी डैश, ये आपस में यहां पर दिखाई दे रहा है, तो यहां पे लिख देंगे आता है, यह है सममित आव्यूह है। अभी तक तो ये सममित आव्यूह के रूप में बदला है, अब हम क्या करेंगे, विषम सममित के आव्यूह के रूप में बदलेंगे, तो उसके लिए हमको क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश ये चाहिए क्यों, तो हम सबसे पहले हम यहां पर ए माइनस ए डैश निकाल ले रहे हैं। ए माइनस ए डैश निकालेंगे तो उसके लिए हम कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे, ये देखिएगा, यहां पर ए दे ही रखा है, ये रहा, ये आपका ए है और ये आपका ए डैश है, तो देखिएगा, तो इसी चीज को मैं यहां से क्या करने वाला हूं, 3 5 ये चीज मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो कितना है ये देखिएगा, सीधे सीधे मैं घटा दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर घटा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा सीधे सीधे, मैं ए में से ए डैश सीधे सीधे घटा दे रहा हूं, या पहले लिख दूं पूरी चीज, चलो पूरी चीज लिख दे रहा हूं, 3 5 1 -5, 3 5, ये देखिएगा ए की वैल्यू है 3 5 1 -, फिर ये माइनस, अब ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3 5 1 -1, -1। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, 3 में से 3 जाएंगे तो 0,
पांच में से एक जाएंगे चार, एक में से चार जाएंगे तो माइनस का चार, एक माइनस के एक में से देखिएगा ये जीरो हो जाए, क्यों? माइनस का एक में से घटाएंगे माइनस का एक, तो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का वन हो जाएगा, यानी कि जीरो। समझ में आ रही है बात? ये इस तरीके से यहां पर देख देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा हो तो अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब हमको क्या करना है, हमको तो ये वाली वैल्यू आपकी निकालनी थी a माइनस ए डैश, तो a की वैल्यू ये है, a डैश की वैल्यू ये है, तो ये घटा के इतना आ रखा है, तो यहां पर 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 0 4 माइनस का 4 तो 0। अब जब हम इसमें a 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये 2, ये माइनस का 2 और ये 0, इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका q निकला है। तो इससे अभी आपको क्या सिद्ध करना है, ये देखिएगा यहां पर माइनस का क्यू निकालो, पहले माइनस का क्यू निकालेंगे तो ये जीरो रहेगा, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पहले क्यू डैश निकालो, क्यू डैश, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, माइनस का क्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम पहले क्या निकालेंगे, इसका क्यू डैश निकालेंगे। क्यू डैश निकालने के लिए ये दो एलिमेंट इस तरीके से हैं, इनको आप इस तरीके से आप लिख दोगे, यानी कि 0 और ये 2 यहाँ पे लिख दो, ऐसे ही ये माइनस का 2 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको यहां से क्यू डैश निकालना है, वो भी माइनस का, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई जब इसमें कर देंगे तो ये कितना 0 रहेगा, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2, ये 0 रहेगा। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्यू बराबर माइनस का क्यू डैश, ये चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये देखिएगा ये क्यू की वैल्यू है और ये यहाँ पर माइनस के क्यू डैश की, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, ये वाली वैल्यू देखिएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर हैं, ये और ये और ये, तो इसका मतलब ये चीज आ गई आपकी, तो यहां पर ये क्या है, एक विषम सम्मिता भी बन गया, अतः यह है विषम सम्मित आव्यूह है, ये विषम सम्मित आव्यूह बन गया। तो अब हमको क्या चाहिए था, हमको विषम सम्मित आव्यूह इनका योगफल चाहिए, चलो मैं एक पेज यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ब्लैंक पेज, ओके, ये आ गया, कहाँ पे ऊपर आ गए पेज, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नौ पे पहुंच गए, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, ये देखिएगा इसको थोड़ा सा, या फिर मैं, हमको क्या चाहिए पहले यहाँ पे समझ लो, हमको क्या चाहिए, हमको तो इनका योगफल के रूप में बदलना है, यानी कि p प्लस q ये चीज निकालनी है, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, तब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये देखिएगा ये है आपस में, और मैं कहाँ पे लिख रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखिएगा आपको टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का, देखिएगा सारी चीज यहाँ पे मैं कर दूंगा, ये पी प्लस क्यू का मान निकालना था, तो क्यू देखिएगा पी की वैल्यू कहाँ है, पी की वैल्यू ओ ये रही, पी की वैल्यू कितनी है, 3 3 और 3 माइनस 1, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं आपको, देखिएगा पी की वैल्यू ये है, ओके, और बड़ा कर दे रहा हूं, ये देखिए ये है आपकी पी की वैल्यू, 3 3 और 3 माइनस 1, तो इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, 3 3
माइनस का ए। ऐसे क्यू की वैल्यू भी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू देख लीजिए, पी की वैल्यू 3 3, पी की वैल्यू कितनी थी, पी की वैल्यू 3 3 3 माइनस 1, ठीक है। और क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 0 2 माइनस 2 0, तो वो चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कितनी थी, 0 2 माइनस 2 0, ये आ गए। हमको इन दोनों के यानी कि ये आपस में क्या है, ये सममित आवयू था, ये विषम सममित, तो सममित और विषम सममित आवयू के योगफल के रूप में व्यक्त करना था, यानी कि जोड़ना था। तो पी की वैल्यू कितनी है, 3 3 3 माइनस का 1, इसके साथ में ये चीज जोड़नी है, 0 2 माइनस का 2 और 0, ये जोड़नी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो 3 रहेगा, 3 के साथ में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 के साथ में -2 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और -1 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 रहेगा। ये a बराबर निकल आए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये और भी सवाल आपको करने हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये 2 बाई 2 का, ये सभी होमवर्क में है, बाकी 3 बाई 3 का है, लेकिन करना यही कॉन्सेप्ट है आपको, 1/2 पहले इन दोनों को जोड़ना है, जैसे कि ये है, इसका पहले डैश निकालो, ठीक है, फिर उन दोनों को जोड़ना है, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। हर काम इसी तरीके से आपको करना है, ठीक। चलिएगा, तो मैं आपको देखिए, जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ये देखिएगा, अभी मैं आपको सिखाता हूं ऊपर, ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको इस सवाल को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ये हो गया, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको समझाऊं, इसका दूसरे पार्ट तो समझाना चाह रहा हूँ, ये ठीक है, ये आ गया, ओके। इसका जैसे कि मान लीजिए ये दूसरा पार्ट है, ये आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, ये ए है, तो यहीं से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा, जो चीज मैं आपको यही बता रहा हूं, ये देखिएगा कैसा दे रखा है, 6 -2 और 2 दे रखा है, -2 3 -1, -2 3 -1, और 2 -1 3, 2 -1 3, ये दे रखा है, ये आपका ए निकल आया, ये आपका ए डैश हो गया। अब दोनों का क्या करना है, ए प्लस ए डैश निकालना है, तो डायरेक्टली मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। इतना तो आप जान ही गए हो कि इस 6 के साथ में ये वाला 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, ऐसे ही -2 के साथ में -2 जुड़ेगा तो ये -4 हो जाएगा, 2 के साथ में 2 जोड़ेंगे तो ये +4 हो जाएगा, और -2 के साथ में ये -2 जोड़ेंगे तो ये -4 हो जाएगा, 3 के साथ में ये वाला 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस -1 के साथ में ये वाला -1 जुड़ेगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये 2 के साथ में ये वाला 2 जुड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और -1 के साथ में ये -1 जुड़ेगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये 3 के साथ में ये वाला 3 जुड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमको क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना होता है, ये निकालेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ये हो जाएगा 6, इसमें ये 2 का भाग करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये -2, इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2, और इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसमें 2 का भाग करेंगे तो 1, ऐसे ही इसमें 1 और ये 3 आ जाएगा, यानी कि -1 और ये हो जाएगा 3, तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, ये चीज आ चुकी है, तो यानी कि इसको आप पी मानते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम मानते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 पी ए ए माइनस ए डैश, ये तो इस वाली चीज को आप पी मानते हो और इस वाली चीज को आप क्यू मानते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यहां से आपका ये पी निकल आया, इसको आपने क्या मान लिया, पी, इसका मतलब ये पी हो गया 1/2 ए
प्लस ए डैश, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा ये चीज पी है, तो ये पी हो गया। अब हमको क्या चाहिए, पी डैश चाहिए। तो पी डैश कैसे निकलेगा, इसका फिर से आप चेंज कर दोगे, इसको इसको चेंज कर दोगे। जैसे कि ये पी तो ये हो ही गया, ये आपका पी दे ही रखा है। अब पी डैश निकालोगे तो देखिए 6 माइनस 2 इस तरीके से है, 6 माइनस 2 और 2, और ये -2 3 और माइनस का 1, 2 1 3, 2 1 3 इस तरीके से आ गया। ये दोनों आपस में बराबर हैं, देख लीजिएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यानी कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है P बराबर P डैश, तो ये आपका क्या बन गया, एक सम्मितावयव बन गया सीधे सीधे। ये क्या बन गया, एक सम्मित। अब आपको क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q क्या होता है, 1/2 ए माइनस ए डैश इस तरीके से रहेगा, 1/2। ये देखिएगा, ए में से ए डैश घटा दो, ये देखिए यहां सीधे सीधे घट जाएगा, ए में से ए डैश घट जाएगा। 6 में से 6 गया तो 0, -2 में से माइनस का 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, -2 में से ये वाला 2 जाएगा माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। 3 में से 3 गया तो 0, और माइनस के 1 में से माइनस का 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, माइनस के 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि सभी 0 0 आ जाएंगे। बात समझ रहे हो, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना था, अभी अभी निकालना था हमको a माइनस ए डैश। तो 6 में से 6 गया तो 0, इस 2 में से ये माइनस का 2 जाएगा तो 0, 2 में से ये 2 जाएगा तो 0, ठीक है, ये माइनस के 2 में से ये वाला, और 3 में से ये वाला एलिमेंट, और माइनस के 1 में से ये वाला, और 2 में से ये वाला, और ये वाला, ये मतलब ये सभी के सभी क्या आ जाते हैं, ये आपका आ गया 0 0 आ गया। ठीक है, ये सभी क्या आ गए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्यू बराबर। तो जब क्यू बराबर आ गया तो भैया यही आपका 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्यू डैश, तो ये तो अपने आप में क्यू डैश के ही बराबर होगा, 0 0 एलिमेंट सभी के बराबर होगा, कहीं पे भी चेंज कर दो इसको, तो ये विषम सम्मितावयव हो गया। अब आपको क्या करना है, अब विषम सम्मितावयव हो गया, ए बराबर आपको क्या जोड़ना है, पी प्लस क्यू जोड़ना है। जब क्यू का मान 0 0 है तो जितना मान यहाँ पर कितना होगा, जो जो पी का मान होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो जो पी का मान है, पी का मान कितना, ये वाला, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से सवाल करने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको बाकी ये होमवर्क करने में मजा आएगा, 2 सवाल हैं ये आपके होमवर्क में है, एक सवाल ये है आपका होमवर्क में और एक सवाल आपका ये है होमवर्क में। ठीक है, ये 2 मैंने होमवर्क में दे दिए हैं, इनको कर लीजिएगा आप। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।